अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल फ्लेवर रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे मीठा पोहा या चूड़ा। इसके लिए हमें एक कटोरी हमने पोहा लिया है और आधी कटोरी चीनी ली है, थोड़े सी 10-15 बादाम हैं, 10-15 काजू हैं और थोड़ी सी ही किशमिश हैं। और ये चीनी को हम पीस लेते हैं, फिर उसके बाद हम कैसे बनाएंगे ये आपको बताएंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है, इसमें हमने 1 चम्मच घी डाला है। आप तेल घी जो भी नॉन स्टिक पैन है, हम काजू थोड़ा सा काट ले, बादाम बड़े बड़े टुकड़ों में, आप छोटे टुकड़े भी काट सकते हैं। पहले इसको हम काजू बादाम को इसमें फ्राई करेंगे अच्छे से। काजू को भी हमने 2 पीस किया है और बादाम को भी 2 पीस किया है। आप चाहिए तो पूरे खड़े हुए डाल सकते हैं, नहीं छोटी पीस भी कर सकते, वो पसंद के हिसाब से है, आपको जैसा भी पसंद है। ये काजू बादाम हमारे भुन गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे एक बाउल में। ये तेल बचा हुआ है, इसी में हम किशमिश को भी फ्राई करेंगे अच्छे से। किशमिश का भी कलर नहीं चेंज हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाने देंगे। ये देखिए किशमिश अब खुल गई है, अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा हम पोहा डालेंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। कुरकुरा होने पर इसको हम सूखा भी भून सकते हैं। पोहा भुन गया है, अब इसको हम टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। फिर इसी तरह हम अगला भी स्टेप करेंगे। अब कि हमने घी नहीं डाला है, देखिए हम सूखा ही भूनेंगे नॉन स्टिक में, क्योंकि ज़्यादा तेल घी से बचना चाहिए। और नॉन स्टिक में अच्छे से ही देखिए हमारा पोहा कुरकुरा हो जाएगा अभी 2 मिनट में। ये देखिए पूरे पोहे हमारे हो गए हैं। अब इसको देखिए हमारे पोहा हमने ये गरम गरम इसमें रख लिया, इसी में हमने काजू बादाम भी डाला है। अब इसी में हम ये पिसी हुई चीनी भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको ठंडा होने देंगे, ठंडा होने के बाद इसको हम एक एयर टाइट बर्तन में डाल देंगे। ये देखिए हमने पोहा को मिक्स करके रख दिया है, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा करके हम एयर टाइट डिब्बे में रख देंगे, आप 1 महीने तक इसको यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी हेल्दी है। आप घर में मीठा खाने का मन करता है, आप इसको हल्का हेल्दी बना के रख लिए पोहा, बहुत ही टेस्टी है, एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसी तरह आसान आसान रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें।